हेलो एवरीवन, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आरसी जो है वो इंग्लिश में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, लेकिन हमें इसे करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो कोई एक ऐसा मेथड बताइए जिससे कि हम इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको वन एंड ओनली एक ऐसा सोल्यूशन बताऊंगी जिससे कि आप आरसी को बहुत ही फास्ट वे में सॉल्व कर लोगे। प्लस मैं आपको इस मेथड को तीन चार क्वेश्चन में भी लगा कर दिखाऊंगी कि कितना ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान खुद इस ट्रिक को यूज किया है, सो ये आपके लिए भी बहुत इफेक्टिव होगा। सो मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि आप आरसी को करने से पहले क्या गलती करते हैं। आप स्टेप वन करते हो कि आप पहले तो पैसेज को रीड करते हो, उसके बाद आप वन बाय वन क्वेश्चंस को रीड करते हो, उसके बाद आप क्वेश्चन में भी अगर अटक गए फिर आप वापस जाके पैसेज में रीड करते हो। सो इसमें सोचने समझने बार बार पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि लेट से पढ़ के समझते हैं या जिनकी रीडिंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, उनका बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो अब हम आते हैं सोल्यूशन के ऊपर में, हम करना क्या है। सबसे पहले तो इंग्लिश में एग्जाम अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। इस वीडियो में जाकर देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि आरसी जो होता है वो आपको सबसे लास्ट में करना होता है, जब सारे क्वेश्चंस आपके जाते हैं सेकेंड गो में, ताकि पढ़ने के लिए, समझने के लिए और राइट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ऑप्शंस थोड़ा सा ट्रिकी रहते हैं, उसके लिए आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहे, प्लस आप कॉन्फिडेंट रहो। ऐसा ना हो कि भाई लगता रहे कि और बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। तो आपको बीच में आरसी कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना है, बिल्कुल लास्ट में करना है। और कैसे करना है वो आप मेरी वो वाली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बहुतों का सवाल था कि मैम हम आरसी कहां से प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद ही आपकी स्पीड आती है। तो आप कोई भी टीसीएस पैटर्न की प्रीवियस ईयर का बुक ले सकते हो, आप किरण की वाली बुक भी ले सकते हो जिसमें कि सारे के सारे टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपको रिलेवेंट क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, लगभग 700-800, तो आप इसमें डेली बेसिस पर 2-3 करके प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से भी कर सकते हो। सो अब हम आते हैं कि हम इसको फास्ट कैसे सॉल्व करें। तो इसका तरीका है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, ना कि पैसेज को। आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी पैसेज को नहीं पढ़ना। आप जब वन बाय वन क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पैसेज है किस बारे में, और उस हिसाब से आपको पैसेज समझने में सुविधा होगा। प्लस आप जब क्वेश्चन पढ़ो तो उसके जो की पॉइंट्स है वो विथ नंबर जल्दी जल्दी से लिख लिया करो कि एग्जैक्टली उसने पूछा क्या गया है। इसमें आपको लग रहा होगा कि टाइम लगेगा, बट ये बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं होता है। इससे फायदा क्या होता है कि जब आप अब पैसेज पढ़ोगे तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट्स पर जाएगा जिससे कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पूरे पैसेज को समझने बूझने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, लिखा भी है, तो कहीं ना कहीं 5-7 जो भी क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में फिट है। अब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो अब आप वो क्वेश्चन के आंसर्स जहां भी आपको मिलेंगे आपका दिमाग में क्लिक करेगा कि अरे इससे तो क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपके नंबर्स भी लिखे हुए हैं विद कीवर्ड्स, तो वो आप तुरंत में जाकर के क्लिक कर दोगे। ये एकदम से आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप 10 से 15 आरसीज में इनको अप्लाई कर लेते हो तो आप बहुत ही फास्ट करने लग जाओगे इसमें। दूसरा जो कंफ्यूजन आरसी में रहता है कि जो टाइटल वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर थीम वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम उसमें क्या लगाएं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर बहुत बार एक ही वर्ड यूज हुआ है तो अगर ऑप्शन में वो वर्ड है तो आप उसको कर सकते हैं। प्लस जो पैसेज का मेन थीम है, मतलब मेन फोकस पॉइंट किस चीज पे बात कर रहा है, उसके सबसे क्लोज जो रहेगा आपको वो मार्क करना है। तीसरा, आपको आरसी में एक और चीज ध्यान रखनी है कि इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि ये नैरेटिव है, आयरोनिक है, सार्कास्टिक है, इमेजिनरी है, फैक्चुअल है, नरेटिव है, तो ये सारे वर्ड्स की सही सही मीनिंग आप पता कर लीजिए ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके ना छूटे। तो अब मैं 3 से 4 क्वेश्चंस में आपको ये तरीका लगा के दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि कितना ज्यादा इफेक्टिव है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक पैसेज है और ये इसके क्वेश्चंस हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस ही आपके होते हैं। आप जल्दी से क्वेश्चंस को पढ़िए। जैसे कि सबसे पहले आपने देखा कि द मेन थीम, तो जो भी आपके पास पेपर है आप तुरंत में क्वेश्चन नंबर डालिए और लिख लीजिए कि ये किस चीज के ऊपर है, थीम के ऊपर है। तो इसका तो आप आंसर दे नहीं पाओगे, तो उसको पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही आप उसका आंसर दे पाओगे। दूसरा क्वेश्चन आप तुरंत में पढ़िए, यहाँ पे लिखा विच प्लेस इज करेक्ट एपिसेंटर ऑफ TR4, तो यानी कि क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है, एपिसेंटर के ऊपर। की पॉइंट्स आपको लिखते जाना है। 593 क्वेश्चन पढ़िए, बायो प्रिमिंग अ मेजर सजेस्टेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि आपका की पॉइंट क्या होगा, बायो प्रिमिंग करके
आपका क्वेश्चन है 594 क्या है, आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज कैन बी सेड दैट, ये तो आप बाद में करोगे, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीडियम साइज बनाना इतना 110, यानी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो मेन आपका थीम है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ गया कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, अब आप सीधा शुरू करिए पैसेज को पढ़ना। तो आप अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करिए, तो आपको पता लगेगा पढ़ते 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 आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, समझने बूझने में कोशिश नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन जहां से आपको वहीं पे फोकस करना है। तो आप जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन यह सब कुछ कहीं से भी नहीं है, तो आपको दिमाग में बैठाना नहीं है। आप पढ़ते जा रहे हो, यहां पर जाकर के आपको मिलेगा एपिसेंटर वर्ड, यहीं पर सिर्फ एपिसेंटर वर्ड आपको मिला है जो कि आपने कीवर्ड में लिखा होता। तो अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि इक्वाडोर द ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर इज करेंटली द एपिसेंटर, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, इक्वाडोर, ठीक है। तो इसका आपको आपने आंसर कर दिया। उसके बाद देखो बायो स्प्रिंग क्या है, बायो प्रिमिंग, अब आपको ये कीवर्ड ढूंढना है कि कहाँ पे है। तो आप जैसे कीवर्ड ढूंढ रहे हो, थोड़ा थोड़ा आपको साथ में पढ़ते भी जाना है, ये नहीं कि आप सिर्फ कीवर्ड ही ढूंढ रहे हो। यहाँ पर जाकर आपको ये वर्ड, तो यहाँ पर लास्ट में आपको ये वर्ड जाकर के मिलेगा, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज एडवोकेटिंग अ सेट ऑफ मेजर्स नोन एज बायो प्रिमिंग। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, बायो प्रिमिंग अ मेजर सजेस्टेड बाय द इंडियन काउंसिल requires, तो बस requires वाली जो चीज़ है, it has, वो चीज़ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, it has asked farmers whose plantation have been affected to abandon them, they must grow rice for a year of two, तो आप पढ़ करके समझ गए कि इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज आपको क्या लगा, तो देखिए जिस इस तरह के जो होते हैं ना इन्वर्टेड कॉमा में करके और किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में डिटेलिंग करके बताया गया है, तो ये मोस्टली न्यूज रिपोर्ट आपको देख के ही पता लगेगा कि ये न्यूज रिपोर्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीडियम साइज बनाना इज इतना, जहां पे नंबर्स रहे इसको खोजना तो और ईजी होता है, क्योंकि ये नंबर्स आपको सीधे नंबर में ही दिख जाएंगे, कहाँ पे है 110, तो आपको सीधे दिखा कि 110 यहां लिखा हुआ है, कि आंसर उसका यहीं पर होगा। तो इसमें बोला है कि सबसे रिच क्या होता है, तो 0 ग्राम फैट होता है, 1 ग्राम प्रोटीन होता है, 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, इतना ग्राम शुगर होता है, 3 ग्राम फाइबर होता है। तो यहां पर आप चेक कर लो, फाइबर तो 3 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट आपका 28 ग्राम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। हालांकि सबसे ज्यादा इसमें है शुगर का है, लेकिन शुगर तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आपने देखा सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चंस पढ़े, उसके कीवर्ड्स नोट किए, उसके बाद मैंने पैसेज को हल्का ओवरव्यू करते करते पढ़ा, यानी कि बहुत सोचने समझने की कोशिश की है। उसके बाद आपको जहां कीवर्ड दिखा आप वहां से उसका आंसर ढूंढने लग गए, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से आरसी को सॉल्व करो तो आपका बहुत जल्दी सॉल्व होगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।